हेलो एवरीवन, वेलकम टू केकेजे ट्यूटोरियल पॉइंट। आज इस बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट इनांसियोमर के बारे में, डायस्टेरियोमर के बारे में, ठीक है, मिजो कंपाउंड के बारे में, और जो है रेसेमिक मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत सारे लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम होती है, हमेशा दिक्कत में जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसके थ्रू ये सारी चीजें आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इसके थ्रू आप जो है किसी भी कंपाउंड का आसानी से हम लोग पहचान लेंगे कि इनांसियोमर, इसका इनांसियोमर पहचान करिए, इसमें डाइस्टेरियोमर है कि नहीं है कंपाउंड में बताइए, या कौन सा रेसेमिक मिक्सचर है, ठीक है, कौन सा मिजो कंपाउंड है। इस तरह से प्रॉब्लम आप हमेशा के लिए दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं इनांसियोमर की बात करूं, फर्स्ट स्टेज इनांसियोमर, इनांसियोमर को बोलते हैं प्रतिबिंब रोग, प्रतिबिंब रोग। ठीक है स्टूडेंट, जो इनांसियोमर होता है इसको आप एक वर्ड में बोल सकते हो, इनांसियोमर को इस तरह से, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनांसियोमर। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। स्टूडेंट इनांसियोमर होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? नॉन सुपर इम्पोसिबल होना चाहिए, मिरर इमेज और मिरर इमेज होना चाहिए। तो यदि मैं इस तरह से कंपाउंड लिखो स्टूडेंट, ऐसे मान लो मैंने ये चीजें लिखा, ठीक है, ये चीजें, ठीक है, यदि इस कंपाउंड को बोले, ठीक है, इसको इस तरह से नोट कर दिए, चलो, ठीक है, इसको यदि मैं ऐसे करके लिखूं, एच सी डबल ओ एच, ठीक है, OH CH3, ठीक है, यहाँ पर OH कर लो, इसको H कर दो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देख रहे हो इनांसियोमर कहने का मतलब होता है मिरर इमेज, एक तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल है, मिरर इमेज जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको इसके ऊपर यदि लगते हो, अध्यारोपित करते हो इसको इस कंपाउंड के ऊपर, तो आप देख पाएंगे कि ये जो कंपाउंड है एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज होना। ठीक है, इसलिए बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज होना। ये जो कंपाउंड है एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर इनांसियोमर है, ठीक है, इनांसियोमर है, प्रतिबिंब रूप है। यदि ए और बी की बात करें तो एक दूसरे के क्या है, इनांसियोमर है, ए है। डियर स्टूडेंट आ रहे समझ में? तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, दिखने में एक समान होगा लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हैंड को भी देख सकते हो, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के सुपर इम्पोज दिखाई दे रहे हैं। सुपर सुपर इम्पोज कहने का मतलब होता है स्टूडेंट कि ये, सॉरी, इसको मिरर इमेज जैसा दिखाई दे रहा है, दोनों हैंड जो है ये मिरर इमेज जैसे दिखाई दे रहे हैं, हाथ का जो पंजा है, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। कैसे स्टूडेंट, एक दिख रहे हैं, यदि मैं इसको ऐसे रखूं तो जो अंगूठा जो है ये वाला लास्ट वाले उंगली के पास आ रहा है और ये लास्ट उंगली इसके पास आ रहा है, मतलब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, अध्यारोपित नहीं हो रहा है। अध्यारोपित तो ऐसे होते हैं ना, सेम एज दिख रहा है, इसके ऊपर लाऊंगा, दिखने में एक समान है, ठीक है, मिरर इमेज जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इनांसियोमर। तो ये जो अपना जो हाथ है, ठीक है, ये जो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनांसियोमर बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, नेक्स्ट सेकेंड चीज बात करेंगे, डाइस्टेरियोमर। डाइस्टेरियोमर कहने का मतलब स्टूडेंट कि डाइस्टेरियोमर को आप इस तरह से बता सकते हो कि जो कंपाउंड होता है इसमें डाइस्टोमियर होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड होगा नॉट मिरर इमेज, द कंपाउंड विच हैव नॉट मिरर इमेज इज कॉल्ड डाइस्टेरियोमर। ठीक है, ये कहने का मतलब है मिरर इमेज जैसे भी नहीं दिखाई देगी, एकदम अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे कहने का मतलब स्टूडेंट कि मैं ऐसे कंपाउंड लिख दिया, ऐसे ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चलो ये 4 कार्बन ऐसे, तो यहां पर मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और एक चीज मैं ऐसे करके ऐसे बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, यदि इसका मिरर इमेज चेक करूं मैं, तो दोनों एक समान दिख रहे हैं क्या,
नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। 1 2 3 4 तो एक दूसरे के मिरर इमेज जब ये दिखाई नहीं देंगे, ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज समान नहीं दिखेंगे, दर्पण के समान नहीं दिखाई देंगे, तो उसको हम लोग डाईस्टेरियोमर बोलेंगे। ठीक है, डाईस्टेरियोमर, ठीक है, डाईस्टेरियोमर, ओके। ठीक है स्टूडेंट, बहुत अच्छा, क्लियर है यहां तक? ये दोनों चीजें समझ में आ रहा है। इनांसियोमर मींस दैट क्या होता है कि एक दूसरे के समान ये मिरर इमेज दिखाई देंगे, लेकिन एक एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड एक समान दिखेंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे, तो इनांसियोमर होगा। और डाईस्टेरियोमर में क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। हाथ और पैर देख लो, हाथ और पैर एक दूसरे के क्या है, डाईस्टेरियोमर बोल सकते हैं ना। हाथ की जो 5 उंगलियां हैं और पैर की 5 उंगलियां हैं, दोनों एक दूसरे को यदि देखें, ठीक है, एक समान दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं ना, तो एक दूसरे के क्या होंगे, वो डाईस्टेरियोमर होंगे। ठीक है, ओके। तो ये थर्ड वन यदि बात करें हम लोग, मीजो कंपाउंड यदि बात करें स्टूडेंट, जो मीजो होता है, मीजो कंपाउंड, ठीक है, तो मीजो कंपाउंड की बात करेंगे, तो मीजो कंपाउंड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कि जब स्टीरियो आइसोमर विच हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट 2 काइरल कार्बन आर प्रेजेंट। ठीक है, इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए स्टूडेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझ रहे हो, ये सममिति तत्व होना चाहिए। यदि कोई भी कंपाउंड है इस तरह से, उसको यदि हम लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इसे इस तरह से कंपाउंड है, मान लो यहाँ पर यह सी डबल ओ एच है, एच है, ओ एच है, ठीक है, यहाँ पर एच है, ओ एच है, सी डबल ओ एच है, ठीक है, ये कंपाउंड है। यदि मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ स्टूडेंट, ऐसे यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा ना। अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री को सममिति तत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक समान इक्वल पार्ट में डिवाइड होना सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि चेक करें, यदि है, तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, तो मैंने बताया था स्टूडेंट की कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है स्टूडेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मीजो कंपाउंड होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये किसके कारण होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कॉम्पनसेशन के कारण यहाँ पर जो मीजो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं मीजो कंपाउंड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में देख करके बता देंगे कि कौन सा कंपाउंड मीजो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड जो है डाईस्टेरियोमर है, कौन सी कंपाउंड क्या है इनांसियोमर है। क्लियर है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट वाले सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर, रेसेमिक मिक्सर। रेसेमिक मिक्सर का मतलब होता है स्टूडेंट कि इक्विमोलर मिक्सर ऑफ डी एंड एल फॉर्म इज कॉल्ड इनांस क्या, रेसेमिक मिक्सर। ठीक है, यदि रेसेमिक मिक्सर की बात करें स्टूडेंट, रेसेमिक मिक्सर की बात करें, तो रेसेमिक मिक्सर में हम लोग देखते हैं इक्विमोलर मिक्सर ऑफ डी एंड एल फॉर्म आर कॉल्ड रेसेमिक मिक्सर, आर एम लिख सकते हैं। तो इस वाले कंपाउंड को कैसे पहचान करेंगे स्टूडेंट, इक्विमोलर मतलब डी और एल दोनों एक साथ पाए जाएंगे, उसको रेसेमिक मिक्सर बोलेंगे, जिसमें 50% डी फॉर्म होगा और 50% एल फॉर्म होगा। तो डी और एल फॉर्म के मिक्सर को हम लोग रेसेमिक मिक्सर बोलेंगे। तो रेसेमिक मिक्सर का एग्जांपल किसी को भी बना सकते हो, इस तरह से आप मान लो ये चीजें देखें, सी डबल ओ एच नोट कर दिए, यहाँ पर एच कर दिए, यहाँ पर ओ एच कर दिए हो, ठीक है, यहाँ पर एच कर दिए हो, यहाँ पर ओ एच कर दिए हो, आ रहे समझ में। तो ये जो कंपाउंड है इसमें से हम क्या करते हैं, मैंने बताया था ट्रिक, जो कोई कंपाउंड को डी फॉर्म यदि चेक करना है, तो आप लोवेस्ट लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, मतलब लीना से बिना प्योर मूव करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ से फिर इस कंपाउंड में जाएंगे, ऐसा लिख रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है, तो डी फॉर्म हो गया स्टूडेंट, ड्यू फॉर्म वाला हो जाएगा। और एल फॉर्म यदि इसका फॉर्म करें स्टूडेंट, एल फॉर्म किस तरह से बनेगा, इस तरह से आप इसको कंपाउंड को ऐसे रखेंगे, सी डबल ओ एच कर दो, यहाँ पर ओ एच कर दो, यहाँ पर एच कर दो, ठीक है,
तो ये कंपाउंड क्या होगा, इधर से इधर मूवमेंट करेगा, यहाँ से एच कर दो, यहाँ पर ओ एच कर दो, तो इस तरह से मूवमेंट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो एल फॉर्म हो जाएगा। तो डी और एल फॉर्म दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। आगे समझ में, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्या? ओके, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे स्टूडेंट तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? ओके स्टूडेंट, जय हिंद।